एवरीवन, वेलकम टू गोल्डी टेस्टफुल किचन। आज मैं जो आपके लिए सैंडविच लाई हूँ वो हेल्दी होने के साथ साथ यमी भी है। तो आप देख सकते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। मैंने इसके लिए 3 उबले हुए आलू को ग्रेट कर लिया है, जिनको अच्छे से ठंडा कर लिया था फिर ग्रेट किया है। और ये 2-3 टेबलस्पून मैंने हरा धनिया ले लिया है कटा हुआ, धोकर साफ किया है इसको भी। आप अपनी इच्छा के अनुसार इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स लिया है, ये ऑप्शनल है क्योंकि मैं इसमें एक ग्रीन चिली भी डाल रही हूं। तो अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप ये स्किप कर सकते हैं। ये मैंने 1/2 चम्मच लिया है चाट मसाला, 2 पिंच मैंने ब्लैक पेपर पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून मैंने अमचूर पाउडर लिया है, आप इसकी जगह नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर है, नमक स्वाद के अनुसार है। ये जो सोया है ना, मैंने बॉईल करके, जैसे आपको मैं बताती हूँ, फिर अच्छे से स्क्वीज करके इनके चंक्स को मैंने चॉप कर लिया है बारीक, ताकि बच्चे भी इसको आसानी से खा सकें। अगर आप सोया नहीं खाते हैं तो आप सोया खाना पसंद करना लगेंगे। 1 से 1.5 प्याज मैंने ये बारीक काट ली है, 1 अमूल की चीज को मैंने ग्रेट कर लिया है, फ्रेश हरे धनिये की मैंने चटनी बनाई है। देखिए कितनी बढ़िया ये लग रही है। मेरे चैनल पर इसका वीडियो डला हुआ है, मैं लिंक डाल दूंगी। ऑलिव ऑयल और कुछ हम बटर यूज कर रहे हैं जो मैंने रूम टेम्परेचर पर लिया है, और आटा ब्रेड में ले रही हूं। आप कोई भी ब्रेड जो भी आपके पास अवेलेबल है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पैन गरम हो गया है, हमने 2 चम्मच ऑलिव ऑयल डाला है और ये 1 चम्मच हम बटर इसमें डाल रहे हैं। बहुत तेज फ्लेम पर आपको नहीं करना है। और अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे ये प्याज, कटा प्याज, और साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे ये कटी हुई हरी मिर्च। आप इनको सीड निकालकर यूज कर सकते हैं अगर तीखी है तो, जैसा कि मैंने किया है, क्योंकि इसमें फ्लेवर जरूर आ जाता है हरी मिर्च का, जो मुझे बहुत पसंद है। आप भी इसे लाइक करेंगे। प्याज को हमें बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा सौते करना है, ट्रांसलूसेंट हो जाए, पिंक हो जाए। देखिए बस इतना हमें प्याज को भूनना है। अब हम पहले डालेंगे इसमें ये सोया, चॉप्ड सोया, इसको मिक्स करेंगे। इसको कैसे बॉईल करते हैं, कैसे तैयार करते हैं, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जो बिगनर्स हैं उनको आसानी रहेगी। तो अगर आप सोया नहीं खाते हैं, प्रोटीन खाना चाहते हैं, प्योर वेजिटेरियन है, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। 1 मिनट के लिए इसको सौते करेंगे और इसमें डालेंगे हम ये मसाले जो भी हमने निकाल के रखे हैं। आप अपने स्वाद के हिसाब से ना मसाले कम ज्यादा कर सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे। देखिए 1 मिनट ये सौते कर लिया हमने। अब हम इसमें डाल देंगे ये आलू उबला हुआ और इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये देखिए हमने इसको अच्छे से भून लिया है। आप चाहें तो नॉनस्टिक कढ़ाई भी यूज कर सकते हैं ताकि जो सोया है वो नीचे लगे नहीं। और मैंने इसको ना टेस्ट करके देखा है, मैं आपको बता नहीं सकती ये कितना यम्मी है। तो जब आप ट्राई करेंगे ना तभी ये बहुत अच्छा लगेगा। और देखिए कहीं भी पता चल रहा है कि सोया चंक्स है इसमें, बहुत बारीक है। अब हम डाल देंगे ये चीज, गैस को कर देंगे ऑफ और इसको मिक्स करते हैं। अच्छा, अगर आप चीज नहीं खाते हैं ना तो ये इसके बिना भी बहुत टेस्टी लगने वाला है, तो आप चीज स्किप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि चीज डालेंगे तो ही आपको ये टेस्टी लगेगा। ये देखिए ये फिलिंग हमारी तैयार है। तो आइए ब्रेड स्लाइस लेकर इस पर असेंबल करते हैं। तो अब हमने ले ली है ये ब्रेड स्लाइस। देखिए आटा ब्रेड है, आप ऐसे देख कर लीजिए, कभी कभी ब्रेड के पैकेट में पता नहीं चलता है तो ऐसे थोड़ा सा आ जाता है, तो वो साइड आप कट कर सकते हैं। बट क्योंकि मैं घर में अपने खाने के लिए बना रही हूं तो मैं ऐसे ही इसको यूज कर रही हूं। तो सबसे पहले जो बटर हमने रूम टेम्परेचर पर लिया है उसको हम लगाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं लगाएं, हल्की सी लेयर लगाएं। देखिए चारों तरफ हमने बटर की लेयर लगा ली है। इसके ऊपर लगाएंगे हम चटनी। अगर आप डायरेक्ट चटनी लगाते हैं ना तो उससे क्या होता है, थोड़ा ब्रेड सॉगी हो जाती है, तो इसलिए एक पतली सी लेयर लगाना बहुत जरूरी है। और ये है हमारी बिल्कुल डार्क ग्रीन बढ़िया फ्रेश चटनी धनिये की, स्पाइसी
जो इसको एक और इसके टेस्ट को अलग से फ्लेवर देगी। तो हमने अच्छे से लगा ली है चटनी, और अब इसके ऊपर लगाएंगे हम ये आलू का मसाला। और ये आपकी अपनी इच्छा है कि आप कितनी फिलिंग लगाना चाहते हैं। अगर आपको एक ही सैंडविच खाना है तो आप इसमें अच्छे से फिलिंग डाल सकते हैं। ये देखिए, हमने चारों तरफ से इसको स्टफिंग से पैक कर लिया है। ये थोड़ा सा मैं इसको ऐसे फ्लैट कर देती हूं, और इसके ऊपर अब हम रखेंगे दूसरी ब्रेड, और ये हम बंद कर देंगे। देखिए, अब ये हमारा सैंडविच जो है सिकने के लिए तैयार है। हमने हल्का सा तवे को भी ग्रीस कर लिया है, मीडियम फ्लेम पर रखा है, और बटर इस पे हल्का सा लगा लिया है। बटर की साइड से हम इसको नीचे रखेंगे, और ऊपर भी हम बटर लगाएंगे। थोड़ा स्लो फ्लेम पर हम सेकेंगे तो ये क्रिस्पी बनेगा। अब देखिए, पहले की तरह हमने एक ब्रेड तैयार कर ली है। ये चीज स्लाइस लिया है, ये दूसरी ब्रेड पर हमने रख लिया है। आप इस तरह से भी इसको बना सकते हैं, आप प्लेन भी बना सकते हैं। आलू का मसाला लेंगे, हाथ से ही इसको अच्छे से स्प्रेड कर सकते हैं आप। टोमेटो केचप भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आलू का मसाला लग गया है। 1 मिनट में जरा ब्रेड चेक कर लेती हूँ अपनी दूसरी सैंडविच। तो हमने ऊपर बटर लगा दिया था, और इधर से हम चेक कर लेते हैं। हाँ, ये देखिए, परफेक्ट। तो ये हमारा अच्छे से ब्रेड का सैंडविच सिक रहा है। जहां जहां बटर नहीं लगेगा ना, वहां इतना ऐसा कलर नहीं आएगा। तो आप बटर चारों तरफ फैलाइए। तो फिर से हम अपना सैंडविच तैयार करते हैं। अब क्योंकि मैंने आपको टोमेटो केचप कहा है, तो मैंने सोचा आपको लगा कर दिखा देती हूँ। तो चीज मैं इसके ऊपर रख रही हूँ, तो ये स्लाइस हम इसके ऊपर पैक कर देंगे, और बटर लगाकर इसको भी तवे पर सेकेंगे। तो इधर से भी हमारा ये सैंडविच सिक गया है, और इधर से भी अच्छे से सिक गया है, और मैं आपको इसका क्रिस्पीनेस दिखाती हूँ। बहुत ही बढ़िया। आप देख रहे ना, कहीं भी तवे पर धुआं नहीं है, क्योंकि हमने बहुत स्लो फ्लेम पर इसको सेका है। तो इसको निकालते हैं और दूसरा ब्रेड का सैंडविच रखते हैं। सेम तरीके से हमने इसको सेकना है। ये देखिए कितना बढ़िया ये चारों तरफ से सिक रहा है। और ये एक ब्रेड का डिजाइन है, क्योंकि ये थोड़ा गहरा है यहाँ पर, तो यहाँ बच गया है। इसको बाद में आप ऐसे कट भी कर सकते हैं, अगर किसी के सामने रख रहे हैं। घर में तो आप खा सकते हैं। तो ये सिक जाए, फिर हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो ये हम ब्रेड नाइफ से इसको कट कर लेते हैं। आवाज सुनिए, देखिए कितने बढ़िया ये सैंडविच बने हैं ग्रीन चटनी के साथ। अब हम दूसरा कट करते हैं। और इसको सेकते समय ना, आप हल्का सा प्रेस भी कर दें, ताकि वो आपस में चिपक जाए। और ये देखिए, चीजी सैंडविच, चीज दिख रहा है यहां आपको, सॉस दिख रही है। ये देखिए, रेड कलर की सॉस है, चीज है, ग्रीन चटनी है, बहुत ही यमी। तो देखिए, लग रहे हैं ना यमी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।